अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं साबूदाने की खीर की रेसिपी। साबूदाने की खीर बनाने के लिए हमने एक कप साबूदाने को एक घंटा पहले सोख करके रख दिया था। हमने ड्राई फ्रूट्स में लिया है काजू, बादाम, पिस्ता और किशमिश। हमने एक चुटकी ज़ैफ़रान को गर्म दूध में डाल दिया है। हमने एक कप शुगर लिया है, थोड़ा सी इलायची पाउडर। हमने एक लीटर दूध को गर्म होने के लिए रख दिया है। साबूदाने का पानी स्ट्रेन कर लेंगे। साबूदाने की खीर जो है बहुत इजीली बन जाती है और खाने में बहुत ही डिलीशियस बनती है। आप इस खीर की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमने साबूदाने का पानी स्ट्रेन कर लिया। अब हम साबूदाने को दूध में डाल देंगे। साबूदाना ऐड करने के बाद चम्मच जो है लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो साबूदाना नीचे से चिपक जाएगा। साबूदाना ऐड करने के बाद 10 से 15 मिनट तक दूध को पकाएंगे। हमने फुल फैट मिल्क लिया है। साबूदाने की खीर जो है ठीक होने लगी है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट्स बचा लेंगे गार्निश के लिए। अब हमने गैस की फ्लेम को मीडियम पर कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर। हमने केसर को दूध में भिगो कर रखा था, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम शुगर भी ऐड कर लेंगे। हमने एक कप शुगर ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से शुगर कम या ज़्यादा कर सकते हो। शुगर ऐड करने के बाद हम खीर को थोड़ा और ठीक होने तक पकाएंगे। इसमें केसर है वो ऑप्शन है, आप चाहे तो ऐड कीजिएगा नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। ये खीर जो है बहुत झटपट से बन जाती है। इस खीर को बनाने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता है। सिर्फ साबूदाने को एक घंटा पहले सोख करके रख दीजिएगा, फिर ये खीर को आप ईजीली बना सकते हो। हमारी खीर रेडी हो गई है। ये ठीक हो गई है। ये ठंडा होने पर और भी ठीक हो जाएगी। हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। अब हम खीर को सर्व कर लेंगे। हमने साबूदाने की खीर को पिस्ता, काजू, बादाम और किशमिश से गार्निश कर लिया। आप इस साबूदाने की खीर को गर्मा गर्म भी सर्व कर सकते हो। आप इसे फ्रिज में रख कर ठंडा कर भी सर्व कर सकते हो। ये हमने इफ्तारी के लिए बनाया है। इसे हम ठंडा होने के बाद सर्व करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम इसी तरह से आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज लेके आते रहेंगे हमारे चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।